फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा फॉर यू में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3 महीने के शिशु के विकास के बारे में, उसकी गतिविधियों के बारे में। दोस्तों, जैसे ही एक शिशु घर में आता है तो यह सबके लिए खुशी का माहौल पैदा कर देता है और पेरेंट्स की खुशी उस समय और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, कुछ कुछ गतिविधियाँ करता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि बच्चा इस समय क्या क्या गतिविधियाँ करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हम 3 महीने के शिशु के माइलस्टोन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे की हाइट के बारे में। इस समय बच्चे की हाइट कितनी होगी और उसका वेट कितना होगा। जब शिशु जन्म लेता है तो पहले 2 महीनों में उसमें कुछ ही परिवर्तन आता है, उसके वेट में थोड़ा ही अंतर आता है, साथ में उसके हाइट में। पर 3रे महीने में यह विकास एकदम से बढ़ जाता है, उसकी हरकतें भी बढ़ जाती हैं, साथ में उसके वेट में और उसके हाइट में भी काफ़ी कुछ चेंज आ जाता है। इस समय बच्चे का वेट 4.5 किलो से 5.5 किलो के बीच में होता है, यानी कि 4.5 से 6.5 केजी तक होता है और इस समय उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रहे कि हर एक शिशु की शारीरिक और मानसिक बनावट अलग अलग होती है। किसी बच्चे की लंबाई और वेट ज़्यादा हो सकता है और किसी का कम। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक शिशु की लंबाई और वेट एक बराबर हो। तो अब हम बात करते हैं 3 महीने के बच्चे की गतिविधियों और विकास के माइलस्टोन्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्तिष्क के विकास के बारे में। चेहरे की पहचान, 3 महीने का शिशु चेहरों को पहचानने लग जाता है। इस समय वह अपने आसपास के सभी चेहरों को पहचानने लग जाता है, साथ ही जो भी उसके साथ रहता है उनके चेहरे वह दूर से ही पहचान लेता है। आवाज़ सुनने पर प्रतिक्रिया देना, 3 महीने का शिशु आवाज़ सुनने पर प्रतिक्रिया देता है। जब भी कहीं से कोई आवाज़ आती है तो वह मुस्कुराने लग जाता है, हंसने लग जाता है और उत्साहित होने लगता है कि जैसे उसे कोई उठाएगा। आवाज़ों को सुनकर ढूंढना, इस समय बच्चा म्यूजिक की आवाज़ को भी पहचानने लग जाता है और जहाँ से भी कहीं से आवाज़ आ रही होती है तो वह अपनी गर्दन को घुमाकर देखता है उसी तरफ से। और कई बार शिशु दूसरे की आवाज़ को सुनकर उस तरह की नकल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कई बार कुछ आवाज़ों से तंग आकर शिशु रोने भी लग जाता है। बात करने की कोशिश करना, कई बार शिशु से जब कोई खेलता है और उसे बातें करता है तो बच्चा भी हरकतें करता है, अपने हाथ पैर मारता है और उनसे बातें करने की कोशिश करता है। पर कई बार बड़ों की कोई बात उनको पसंद नहीं आती, कोई हरकत पसंद नहीं आती तो शिशु रोने भी लग जाता है। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास के बारे में कि शिशु का शारीरिक विकास इस समय कितना होता है। सिर को उठाना, इस समय बच्चा अपने सिर को उठाना शुरू कर देता है। अगर उसको आप उल्टा लिटाते हैं या वह अपने आप भी उल्टा हो जाता है, साथ में वो अपना सिर ऊपर की तरफ उठाने लगता है, कंधों से सपोर्ट देने लगता है, कंधों को भी ऊपर उठाने की कोशिश करता है, हाथ पैरों को मारने लग जाता है। हाथों पर शरीर का वजन संभालना, शिशु इस समय अपने हाथों पर शरीर का वजन संभालने की कोशिश करता है। वो अपने हाथों को प्रेस करके अपनी बॉडी को उठाने की कोशिश करता है। खिलौनों को पकड़ना सीखना, इस समय शिशु खिलौनों को पकड़ना भी सीखने लगता है। अगर आप उसके सामने उसके पसंदीदा खिलौने रख देते हैं तो वह उनको उठाने की कोशिश करता है। इस समय वह अपनी मुट्ठी को बंद करना और खोलना भी सीख जाता है, साथ में अपने खिलौनों को उठाने और गिराने की भी कोशिश करता है। सामाजिक और भावनात्मक विकास, इस समय बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। वह अपने आसपास के लोगों को पहचानने लग जाता है, वह उनके आवाज़ों पर प्रतिक्रिया करता है। इस समय वह हंसता है, खेलता है और तरह तरह के आवाज़ें भी निकालने की कोशिश करता है। साथ ही अगर कोई अनजान व्यक्ति उसको उठा लेता है तो वह रोने लग जाता है। वह आसपास के रंगों को भी पहचानने लगता है, वह आसपास की चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, रंगों की तरफ आकर्षित होता है। तो दोस्तों, यह थे 3 महीने के बच्चे के माइलस्टोन्स। इस समय उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से इस तरह से विकास होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस समय बच्चे के लिए कितनी नींद पर्याप्त होती है। इस समय बच्चा कम से कम 10 से 15 घंटे सोता है। पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं अगर आपका बच्चा इससे कम सोता है या इससे ज़्यादा सोता है, क्योंकि यह ऐसा समय होता है कि इसमें हर एक बच्चे का अलग अलग स्लीपिंग पैटर्न होता है। कोई कम सोता है तो कोई ज़्यादा सोता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पेरेंट्स को किस समय चिंता करनी चाहिए कि उनका बच्चा क्या क्या प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। वैसे तो हमने जितनी भी बातें आपको अभी तक बताई हैं वो सारी बातें एक 3 महीने के शिशु में होती है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा किसी की आवाज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, अपने सिर को अच्छे से उठा नहीं पा रहा या अपने हाथों पर जोर नहीं डाल पा रहा, वो अच्छे से मदर फीड भी नहीं ले पा रहा, तो ये सारी बातें चिंता का विषय होती है। आपको इसके बारे में डॉक्टर से डिस्कस जरूर करना चाहिए।
साथ ही बच्चे को अलग अलग जगह पे लेकर जाइए, बच्चे को जितना हो सके रंग बिरंगी चीजें दिखाइए, उसे ज्यादा से ज्यादा बातें करिए ताकि बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास और ज्यादा हो सके। तो दोस्तों यही बातें होती है जो एक 3 महीने के शिशु के अंदर होती है। इसके अलावा आप पेरेंटिंग रिलेटेड कोई भी बात हमसे पूछना चाहते हैं, अपने शिशु से संबंधित आपका कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपके आसपास का कोई प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी रिलेटेड आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।